टुडे वी विल डू मैसेज बॉक्स फंक्शन इन विजुअल बेसिक। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि हमारा एक मैसेज आएगा, एक बॉक्स आएगा, इसमें कोई मैसेज होगा। अ मैसेज बॉक्स इज यूज्ड टू डिस्प्ले अ मैसेज टू द यूजर। मैसेज दिखाने के लिए यूज होता है मैसेज बॉक्स, दैट इट विल डिस्प्ले अ मैसेज टू द यूजर। वी कैन डिस्प्ले अ मैसेज एन ऑप्शनल आइकन, अ टाइटल बार, कैप्शन एंड कमांड बटन इन अ मैसेज बॉक्स। द मैसेज बॉक्स फंक्शन डिस्प्लेज अ मैसेज इन अ डायलॉग बॉक्स। डायलॉग बॉक्स के अंदर अपना मैसेज डिस्प्ले करता है। वेट्स फॉर द यूजर टू क्लिक अ बटन एंड रिटर्न्स एंड इंटीजर इंडिकेटिंग विच बटन द यूजर क्लिक। जौन सा भी बटन आप क्लिक करोगे उसका इंटीजर वैल्यू सिस्टम को जाती है। इसका सिंटेक्स क्या होता है, कैसे हम एक मैसेज बॉक्स को ऐड कर सकते हैं अपनी प्रोग्रामिंग में। एमएसजी बॉक्स, उसके बाद प्रॉम्प्ट, फिर बटन्स, फिर टाइटल, हेल्प फाइल, फिर कंटेक्स्ट। अब इनका मीनिंग क्या है वो हम देखते हैं। वेयर प्रॉम्प्ट का मीनिंग क्या है। प्रॉम्प्ट इज अ स्ट्रिंग एक्सप्रेशन, एक स्ट्रिंग एक्सप्रेशन है, मतलब कोई भी आपने लाइन लिखी हुई है, दैट इज डिस्प्लेड एज द मैसेज इन द डायलॉग बॉक्स, जो डायलॉग बॉक्स में आपको एज अ मैसेज चाहिए। द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द प्रॉम्प्ट इज 1024 करेक्टर्स, इतने करेक्टर्स की आपकी मैक्सिमम लेंथ है। बटन्स, बटन्स इज अ न्यूमेरिक एक्सप्रेशन, क्या है ये, एक न्यूमेरिक एक्सप्रेशन है, दैट इज द सम ऑफ वैल्यूज स्पेसिफाइंग द नंबर एंड टाइप ऑफ बटन्स टू डिस्प्ले, द आइकन स्टाइल टू यूज एंड द आइडेंटिटी ऑफ डिफॉल्ट बटन। इफ ऑमिटेड द डिफॉल्ट वैल्यूज ऑफ बटन इज जीरो, विच कॉजेज ओनली एन ओके बटन टू बी डिस्प्लेड विद एन आइकन। मतलब अगर हम बटन के ऑप्शन को खाली छोड़ देते हैं तो आपको एक बटन प्रोवाइड किया जाएगा ओके, बाकी आप नंबर ऑफ बटन्स का ऑप्शन दे सकते हैं कि कौन कौन से बटन्स आपको चाहिए। नेक्स्ट इज टाइटल। टाइटल इज अ स्ट्रिंग एक्सप्रेशन दैट इज डिस्प्लेड इन द टाइटल बार, एक स्ट्रिंग एक्सप्रेशन है, मतलब अल्फाबेटिकली हम कुछ लिख रहे हैं जो कि टाइटल बार पे आ जाएगा। ऑफ द डायलॉग बॉक्स इफ यू ओमिट टाइटल द एप्लीकेशन नेम, अगर हम ओमिट कर देते हैं मतलब कोई भी टाइटल नहीं देते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो एप्लीकेशन का नेम टाइटल पे दिखाता है, इज प्लेस्ड इन द टाइटल बार। हेल्प फाइल एंड कंटेक्स्ट, दीज आर्ग्यूमेंट्स आर ओनली एप्लीकेबल व्हेन अ हेल्प फाइल हैज़ बीन सेटअप टू वर्क विद द एप्लीकेशन। अगर कोई हेल्प फाइल सेटअप की गई है तो ये वर्क करते हैं, वरना ये वर्क नहीं करते। नेक्स्ट इज द बटन्स आर्ग्यूमेंट्स, कौन कौन से आर्ग्यूमेंट्स आप पास करते हो, 0, 1, 2, 3 जो भी नंबर है उसका क्या मतलब है। द बटन्स आर्ग्यूमेंट डिटरमिन्स विच बटन टू बी डिस्प्लेड इन द डायलॉग बॉक्स। नीचे टेबल दिया गया है, टेबल 2.9, विच शोज द वैल्यू एंड टाइप ऑफ बटन्स डिस्प्लेड इन द डायलॉग बॉक्स। बाय डिफॉल्ट वैल्यू इज जीरो, जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो अभी हमने पढ़ा था कि क्या होती है, जीरो, जिससे आपका सिर्फ एक ओके बटन आता है। अगर आप और भी बटन्स चाहते हैं तो आपको उसकी वैल्यू देनी पड़ेगी। ये हमारा टेबल है जिसमें वैल्यूज दी हुई हैं, जीरो पे जो कि डिफॉल्ट वैल्यू है ओके बटन आएगा, और ये इसका सिंटेक्स है, ये सिंटेक्स भी दे सकते हो आप, जीरो भी दे सकते हो। वन पे ओके और कैंसिल का बटन आएगा, टू पे एबोर्ट, रिट्राई एंड इग्नोर का बटन, थर्ड पे यस, नो एंड कैंसिल बटन्स, फोर्थ पे यस एंड नो बटन्स, फाइव पे रिट्राई एंड कैंसिल बटन आपका मैसेज बॉक्स पे अपीयर होगा। नेक्स्ट आपका है टेबल नंबर 2.10 दैट शोज द वेरियस आइकन स्टाइल्स। इसके लिए आपका नंबर है 16 जिस पे आपका क्रिटिकल मैसेज आइकन आएगा, 32 वार्निंग क्वेश्चन स्टाइल का आइकन आएगा, 48 पे वार्निंग मैसेज आइकन आएगा, 64 पे इंफॉर्मेशन मैसेज आइकन आएगा। नेक्स्ट आपका टेबल है 2.11 दैट शोज द वैल्यू ऑफ डिफॉल्ट बटन्स। डिफॉल्ट बटन्स की वैल्यू शो करता है, बाय डिफॉल्ट द फर्स्ट बटन इज सेलेक्टेड। बाय डिफॉल्ट आपका फर्स्ट बटन जो कि ओके का बटन होता है वो सेलेक्टेड होता है। फर्स्ट बटन इज सेलेक्टेड डिफॉल्ट इफ 0,
256 पे आपका सेकंड बटन बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड आएगा, 512 इज़ फॉर थर्ड बटन, 768 इज़ फॉर फोर्थ बटन, मतलब ये नंबर यूज़ करके आप फोर बटन्स में से किसी भी एक बटन को बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड बना सकते हैं। नेक्स्ट इज रिटर्न वैल्यूज। व्हेन वी यूज़ मैसेज बॉक्स टू डिस्प्ले मोर देन वन बटन, वी कैन टेस्ट विच बटन द यूज़र क्लिक बाय कंपेयरिंग द रिटर्न वैल्यू। रिटर्न वैल्यू को कंपेयर करके हम जान सकते हैं कि कौन सा बटन यूज़र ने क्लिक किया है मैसेज बॉक्स पे। टेबल 2.12 हम यूज़ करेंगे इसको शो करने के लिए। दीज आर द वैल्यूज फॉर टेबल 2.1। अगर 1 है तो क्या है, ओके बटन प्रेस हुआ है, 2 है तो कैंसिल बटन वॉज प्रेस्ड, 3 अबॉर्ट बटन वॉज प्रेस्ड, 4th रिट्राई, 5th इग्नोर, 6th येस, 7th नो। ये सारे टेबल्स की जो वैल्यूज अभी हमने पढ़ी हैं ये सब आपको लर्न करनी है फॉर एग्जाम्स। नेक्स्ट हम इन सब का एग्जाम्पल देखते हैं विच वी कैन डू इन दी लैब आल्सो। एग्जाम्पल है दिस स्टेटमेंट मैसेज बॉक्स वी बी इज अ फन। इसने एक ही वैल्यू पास की है तो मैसेज बॉक्स में वो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया वी बी इज अ फन। ओके पे आप क्लिक करोगे ये बॉक्स बंद हो जाएगा। नेक्स्ट इज दिस स्टेटमेंट मैसेज बॉक्स द रोल नंबर फील्ड मस्ट नॉट बी ब्लैंक। तो ये जो आप लिखेंगे वो एज इट इज आ जाएगा। इसके बाद इसने वी बी एक्सक्लेमेशन का क्या दिया है आइकन, तो यहाँ पे एक्सक्लेमेशन का आइकन आपका शो हो जाएगा। दिस एग्जाम्पल प्रोवाइड्स अ वैल्यू फॉर द टाइटल आर्ग्यूमेंट। इसमें आप टाइटल भी दे रहे हैं विच कॉजेज द टेक्स्ट टू बी डिस्प्लेड इन द बॉक्सेस टाइटल बार। क्या स्टेटमेंट दी हुई है, मैसेज बॉक्स आपका आएगा, जो आप फर्स्ट लाइन लिखोगे इज द रिजल्ट करेक्ट वो यहाँ प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट हमने देखा था बटन आइकन के लिए वी बी येस नो कैंसल प्लस वी बी क्वेश्चन, क्वेश्चन मार्क का आपका आइकन आ गया है, येस नो बटन और कैंसल आ गया है, येस नो कैंसल मेंशन किया हुआ है। नेक्स्ट इसने दिया है रिजल्ट वेरिफिकेशन बॉक्स, ये आपका टाइटल दिया हुआ है, ये ऊपर टाइटल में आ गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है जिसमें दिया हुआ है वन ऑफ द मोर कॉमन यूजेज ऑफ मैसेज बॉक्स इज टू आस्क अ येस और नो क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछने के लिए हम यूज करते हैं ऑफ द यूजर एंड परफॉर्म प्रोसेसिंग बेस्ड ऑन देयर रिस्पॉन्स। लेट अस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हम इस स्टेटमेंट को देखते हैं। डिम चॉइस एज इंटीजर, हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है चॉइस नाम का जिसका डाटा टाइप क्या है इंटीजर। चॉइस इज इक्वल टू मैसेज बॉक्स, चॉइस के अंदर वैल्यू जाएगी मैसेज बॉक्स की। आर यू श्योर यू वॉन्ट टू क्विट, ये सारा यहाँ प्रिंट हो जाएगा। फिर इसने बटन्स लिए हैं वी बी येस एंड नो, और दो बटन्स आ गए हमारे पास येस और नो। फिर हमने लिया है वी बी क्वेश्चन, ये हमारा आइकन के लिए है, आइकन आ गया है इसके कारण। फिर इफ़ चॉइस, जो चॉइस है वो येस होती है, अगर येस पे क्लिक करता है यूज़र देन क्या होगा एंड बंद हो जाएगा। एंड इफ द फॉलोइंग मैसेज बॉक्स वुड बी डिस्प्लेड, जो आप ऊपर मैसेज बॉक्स है वो ऐसे डिस्प्ले होगा। इफ़ द यूज़र क्लिक्स द येस बटन, अगर येस बटन क्लिक करता है देन एंड स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड, तो आपकी एंड स्टेटमेंट जो यहाँ दी गई है ये एग्जीक्यूट हो जाएगी और आपका प्रोग्राम बंद हो जाएगा।